नमस्कार किसान भाइयों, किसान खबर चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं मुहाना मंडी में और 28 जून हो चुका है और अभी तो धूप खिली हुई है, पर सुबह लगातार 2-3 घंटे बारिश हुई है। और आज जो नासिक वाला प्याज है उसमें क्या पोजीशन बन रही है, कितनी आवक है, कितनी आमदनी है, ग्राहक की कैसी नज़र आ रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। राजधानी ट्रेडर्स बत्रा भाई से बात करेंगे इस बारे में कि क्या पोजीशन रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार यादव जी। तो आज क्या पोजीशन बन रही है सर प्याज में? पोजीशन ये वो जी, थोड़ा वो ईद की वजह से थोड़ा सा ग्राहक की, पहले तो ठीक चल रही थी, अभी थोड़ी ग्राहक की जरूर कमजोर है। ग्राहक की कमजोर है, बाजार तो पीछे टाइट है, तो यहाँ कोई कम बेचने नहीं देता। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो अगर नासिक वाले प्याज की बात करें तो कितनी आवक है? बाजार जयपुर में वही है, आज आवक कम है। आवक कम, आज 10-12 गाड़ी है, बाकी 10-12 गाड़ी का नीचे बैलेंस। अच्छा जी, अच्छा। ऐसे करके 20-21 गाड़ी का माल है मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, और सर ये मथाने वगैरह? सर मथाने भी पहले से कम है। अच्छा जी। पर ग्राहक की भी कम है जरा ईद की वजह से, मोमडन ग्राहक कम। हाँ, मोमडन ग्राहक जो बाहर चले गए, गाँव में चले गए ईद मनाने, गाँव में चले गए ईद मनाने चले गए ना, ये बकरा ईद जो होती है। बिल्कुल, 3-4 दिन का, ये हफ्ता तो ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा जी, सोमवार से का पता चलेगा क्या होगा। 1 जुलाई से शुरुआत होगी। 1 जुलाई से बढ़िया। बिल्कुल। और कुछ बारिश भी हो रही है इस वजह से भी, थोड़ा सुबह सुबह पूरी रात। हाँ, सुबह लगभग 2:30-3 बजे मैं देखा था, सुबह से हो रही थी बहुत बारिश हो रही है। तो सर अभी जैसे ये वाला मुझे प्याज ठीक ठाक लग रहा है, टॉप क्वालिटी, ये 14 रुपए किलो बेचा। ये 14 रुपए, ठीक है जी सर। और ये वाला सर? ये 13 रुपए। अच्छा जी, 12-13। और ये वाला सर? ये भी यही 12-13। ठीक है सर। तो प्याज कुछ बारिश ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश बहुत है राजस्थान में, दिन रात बारिश ही चल रही है, यहाँ बारिश रुक नहीं रही है। जयपुर में तो वैसे ही बहुत बारिश हो रही है। बिल्कुल, बारिश तो दिल्ली में भी हुई है, हर जगह बारिश हो रही है सर। लगभग अपने सब जगह है थोड़ी थोड़ी बारिश, अब तो सब जगह मानसून की बारिश, MP साइड में भी बारिश बता रहे हैं, सब जगह बारिश हो रही है। तो प्याज है वो रुकने का नहीं है? तो नहीं, प्याज तो जो बढ़िया है वो तो सर उसमें भी बहुत टाइट कर दिया, 2-3 लोग। मौसम है, मौसम खराब है, तो थोड़ा थोड़ा तो उसमें 5-10% निकलेगा। मंडियों पे टाइट है मार्केट, बहुत बाजार टाइट है उधर। बिल्कुल बिल्कुल। इधर जो रेट यहाँ है वो रेट तो वहाँ लूज में हो गया आज। अच्छा जी। हाँ, तो सर उम्मीद है मतलब पूरी पूरी अब की बात? हाँ, पूरी पूरी उम्मीद है साहब। 1 जुलाई से देखना, 15 जुलाई से थोड़ा थोड़ा पिकअप पकड़ने लग गया। 15 जुलाई के बाद क्या, जितना जब मैंने बार बार, यादव जी पहले भी आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ, जिस दिन बाहर जंगल का प्याज खत्म हुआ, खेत में से प्याज हटा और जाली में से प्याज आएगा, उस टाइम समझो किसान अपने हिसाब से लाएगा, और लाना भी चाहिए, बहुत मेहनत होती है पैदा करने में। बिल्कुल सर। और इसको बड़े उससे ही निकालेगा आदमी, जिसको एक पीका बेचने है, किसी को 8 दिन में, किसी को 15 दिन में, तो एक पीका भी निकालेगा। बिल्कुल सर। और व्यापारी लोग भी, सब लोग देख रहे हैं भाई, नुकसान बहुत हो गया प्याज में, और मरा पड़ा हर आदमी प्याज में, बहुत नुकसान में। जैसे अभी पीली पत्ती वाला है वो तो लगभग खत्म सा होगा। पीली पत्ती वाले भी किसान निकालते जा रहे हैं, प्याज रुक नहीं रहा, दागी हो रहा है, सड़ रहा है, मंडियों में जा रहा है। जिस दिन ये माल खराब होना वो हो जाएगा, मंडियों में माल कम होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये अपना जो लोकल प्याज है ना, ये पीली पत्ती का लगा लो, मथानिया लगा लो, इसकी वजह से थोड़ा मार्केट, कोई भी माल आ रहा है, हम 12 रुपए बेच रहे हैं, धनी कहता है 15 रुपए बेच। बिल्कुल, हम 15 बेचते हैं, पार्टी कहती है 18 रुपए बेचो, पर यहाँ मार्केट अभी पिकअप बन नहीं रहा। बिल्कुल, जैसा पीछे बन गया वो यहाँ नहीं बन रहा। बिल्कुल सर, ये लहसुन में भी है, प्याज में भी है, थोड़ा बिक्री स्लो है, ईद है ना, ये सब लोग गए हुए हैं अभी गाँव से आ जाएंगे, तो ये समझो 15 जुलाई से तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो जी, और माल भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित है माल कम आएगा, मंडी में हिसाब का आएगा। बिल्कुल सर। तो सर अपना मोबाइल नंबर बताएं। मोबाइल नंबर मेरा 98-290-66-324, राजधानी ट्रेडर्स A26, मुहाना मंडी, जयपुर। चलो धन्यवाद सर। ओके।